सो है गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे एमएमटीसी शेयर में। आप लोग देखोगे पिछले दो दिन से लगातार रैली बन रही है। कल भी स्टॉक में 20% का सर्किट लगा था, तेजी तो परसों भी बनी थी भाई, और आज भी आप लोग देखोगे स्टॉक में 20% का सर्किट हमें देखने को मिला। बट लास्ट में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हुआ, प्राइस का एडजस्टमेंट हुआ, तो ये स्टॉक लगभग 18% के आसपास तेजी में रहा है। तो इस शेयर में आप लोग देखोगे तेजी क्यों बन रही है। बजट में जो गवर्नमेंट ने ऐलान किया था कि कस्टम ड्यूटी जो अभी कम हो जाएगी सोना चांदी के ऊपर, ठीक, उसके बाद आप लोग देखोगे जो 35 मिनरल्स हैं उनके ऊपर भी आप लोगों का कस्टम ड्यूटी कम हो गई है, तो ये सबसे बड़ा कारण है। 15% से सीधा आप लोगों ने 10-10% कस्टम ड्यूटी कम कर दी है, 5-5% पर लेकर आ गए सोने के ऊपर, आप लोगों ने देखा होगा। तो जो कंपनी का मेन बिजनेस है भाई, ठीक है, जहाँ पर कंपनी ट्रेडिंग कर रही है कम्योडिटी में, उसका जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है उसमें बिजनेस कर रही है, तो वहाँ से आप लोग इतनी ज़्यादा रियायतें मिलना तो कंपनी के स्टॉक के प्राइस के ऊपर टैक्स आएगा। तो ये पिछले दो दिन में जो शेयर रैली दिखाई है इस वजह से, अब यहाँ पर अलर्ट रहने का टाइम आ चुका है। विदाउट स्टॉप लॉस आगे के लिए चलना यहां पर खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि अब यहां पर ऑपरेटर्स की एंट्री हो चुकी है भाई। ऑपरेटर गेम स्टार्ट हो चुका है, मैं आपको दिखा देता हूं भी किस प्रकार से आज स्टॉक को सारा दिन में घुमाया था, आपने भी देखा होगा। तो हाई वॉल्यूम आई है दो दिन में, उसकी वजह से जो शेयर हुए जबरदस्त एक्शन में हमें यहां पर देखने को मिला भाई। तो यहां पर थोड़ा सा संभलने का टाइम है, अभी के टाइम ज्यादा रिस्क नहीं लेना है इसके अंदर। आगे रिजल्ट्स भी आएंगे कंपनी के, रिजल्ट्स तो पीछे भी खराब ही आते थे भी, अभी भी कैसी क्या उम्मीद है वो तो बाद की बात है, लेकिन जो रिटर्न्स दी वो आपके सामने है। एक महीने में 44% के जो पिछले दो दिन में दिए इसने सिर्फ, ठीक है, 3 मंथ में 60% के, 6 मंथ में 60% के, और एक साल में 250% के रिटर्न इसने जो भी करीब करीब दिए हैं। तो अब यहाँ पर आप लोग देखोगे जो ब्लॉक डील्स है, बल्क डील्स है, वो होनी स्टार्ट हो चुकी है। आज के दिन आप लोग देखोगे अभी 25 जुलाई को हमें ये 4 डील्स होते हुए नजर आई है, ठीक है, जिसके अंदर आप लोग देखोगे पहले परचेजिंग हुई है, ठीक है, 116.82 रुपये, 115.77 रुपये इस भाव में आप लोग देखोगे लगभग 85 लाख 30 हज़ार क्वांटिटी है, ठीक है, 1,02,13,686 क्वांटिटी है। तो इतनी हैवी क्वांटिटी में आप लोग देखोगे माल खरीदा गया है पहले, उसके बाद आप लोग देखोगे इन्होंने जो ये माल है बेचा भी है। तो इसलिए यहाँ पर जो है ना बड़े प्लेयरों की अब इसके अंदर एंट्री हो चुकी है, वो खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, तो अब यहाँ से स्टॉक के ऊपर थोड़ा सा खतरा बढ़ गया भाई। तो यहाँ पर संभल के रहिए, आगे स्टॉक में एक बड़ा मूव आ सकता है नीचे की तरफ, या कल भी आ सकता है, फिर परसों के दिन कभी भी आ सकता है। चलिए एक बार इसका चार्ट और देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखोगे वन डे टाइम फ्रेम के ऊपर इसने जो ना अभी एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है। और स्टॉक में आपने एक चीज़ और नोट की होगी, इसमें जब कभी भी इतना बड़ा एक्शन स्टॉक में आता है तो उसके बाद एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलती है भाई, चाहे वो कहीं पर देख लो। अब यहाँ पर एक इतना ज़बरदस्त मूव आया है तो स्टॉक में एक अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिलेगी, तो इसलिए यहाँ पर संभल के आगे के लिए चलना है भाई। यहाँ पर भी आपने देखा होगा कितना बड़ा फॉल बना था, इसके बाद रैली यहाँ पर बनी तो यहाँ पर भी फॉल आया है, अब रैली यहाँ पर बनी है तो अब आगे इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग का माहौल जमेगा। तो इसलिए नीचे में सपोर्ट जो अभी के टाइम रहने वाला है, देखो वैसे तो 100 रुपये के आसपास का है, बट इतना लंबा सपोर्ट देखो इतने 20-20% के ऊपर हम ऐसा नहीं ले इसके चल सकते, तो इसलिए आगे के लिए जो सपोर्ट रहेगा 115 रुपये का सपोर्ट रहेगा। और अब यहाँ से इसकी जो सर्किट फिल्टर आई थिंक वो भी चेंज हो जाएगी, 10% हो जाएगी, तो अब यहाँ पर 115 रुपये का स्टॉप लॉस नीचे में पकड़ के चलेंगे। अगर इसके ऊपर में शेयर है तो कोई दिक्कत नहीं, बने हुए हैं, अगर स्टॉक और ऊपर में जाता है तो अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे, तो ये स्ट्रैटेजी शेयर के अंदर बेस्ट रहेगी। आगे में टारगेट्स आप लोग देखो भी अनदेखे हो सकते हैं, क्या आप 130, 140, 150 भी हो जाए, बट नीचे में हम जो हमारा स्टॉप लॉस है वो ट्रेल करते चलेंगे, जैसे जैसे स्टॉक आगे जाएगा वैसे वैसे ट्रेल करेंगे, तो ये स्ट्रैटेजी रहेगी इस स्टॉक के अंदर। आगे आपकी मर्जी भी किस प्रकार से क्या आप लोग यहाँ पर एक्सपेक्टेशन करते हो इस कंपनी से। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।